एक दूजे के वास्ते। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, सगाई मुबारक हो सुमन। सुमो, मैं तो तुम्हारे आने से खुश हूँ। तो किस खुशी में? केक काटने के लिए हमेशा कोई बहाना क्यों चाहिए? ये नो बहाना केक है। आज कौन सा दिन है? वेंस्टे। तो आज हम हैप्पी वेंस्टे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो मैं होली मना रहा हूँ एक्चुअली। हैप्पी होली सुमो। नहीं 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 फोटो नहीं नहीं सुमो। अरे नहीं यार, नहीं नहीं फोटो नहीं, फोटो नहीं। अच्छा नहीं ले रही, नहीं ले रही। मेरे चेहरे पे सैडनेस उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहे उदास हूं, किसी की बातों से हर्ट फील करूं या तकलीफ में हूं, श्रवण को हमेशा पता था कि मुझे कैसे हंसाना है। जितनी बार उसने मेरी सैडनेस कम की, मुझे हंसाया, यहां हर तस्वीर वो कहानी बता रही है। हमारी छोटी सी फिल्म हर दिन खुशियों वाला और उसके तीन कैरेक्टर्स श्रवण, सुमन और खुशी, हम दोनों की साथ में कई बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। पर जानती हूं श्रवण ने सिर्फ यही क्यों लगाई। ये हमारी लाइफ के उस वक्त की यादें हैं जो बेस्ट था। श्रवण और उसकी दी हुई यादें कभी भी मेरे चेहरे पर स्माइल ले आती थी। डिसिप्लिन वाली सुमन और शरारती श्रवण, पर साथ में एकदम परफेक्शन। काश हम ऐसे ही स्टूपिड बिहेवियर करते, हंसते हुए जिंदगी भर साथ रह पाते। पर ऐसा अब शायद कोई रास्ता नहीं जिस पर हम साथ चल सके हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं कितना कुछ है अंदर जो सुमन से कभी कहा नहीं, और कितना कुछ जो बार बार कहना था, पर वो मौका खो दिया मैंने। जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, जब कुछ ही घंटों में सुमन किसी और की, क्या करूं? तुम जो भी तुम्हारे दिल की बात सुमन को बताने वाले थे ना, वो बात अब एक कोरे कागज पर लिख डाल और समझ लियो कि सुमन से ही बातें कर रही हो। और फिर सब लिख देने के बाद जिन्हें जलाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। राइडर नहीं, फौजी हूं। बंदूक चलाना आता है, पर मन में जो इतना कुछ भरा हुआ है, जो इस वक्त लग रहा है जैसे जैसे फटके सब बाहर आ जाएगा, उसे अब लिखना
डर लग रहा है कि जैसे ही लिखना शुरू किया तो अंदर का सब बस बहता जाएगा इन पन्नों पर। सुमन, कहां से शुरू करूं? एक वो दिन था जब अचानक 7 साल बाद फिर किस्मत हमें आमने सामने ले आई थी। दोनों खामोश खड़े थे तब से लेकर आज तक, जब किस्मत तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है आज भी दोनों खामोश ही हैं। मुझे गलत मत समझना सुमन, जब सुना कि तुम्हारी सगाई होने वाली है मैं टूट सा गया था, लगा जैसे तुमने मुझे धोखा दे दिया हो। फिर गुस्सा तो बहुत आया लेकिन एंड में सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए दुआ ही निकली। अब सोचता हूं कि अगर किस्मत में बिछड़ना ही लिखा था तो हम मिले ही क्यों? शायद तकदीर को भी मुझ पे तरस आ गया और तुम्हारे साथ कुछ नई यादें दे दी, उन्हीं के सारे कट जाएगी लाइफ। अब तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे साथ ना सही पर जहां रहो खुश रहो। कल तुमने पूछा था ना कि ऐसा जिसे आवाज दे सको वो नाम कहां से लाऊं? सुमन, हमेशा याद रखना एक नाम जो दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाएगा, वो है श्रवण। जिंदगी में अब सिर्फ एक ही अफसोस रह जाएगा कि जो लिखा तुमसे कभी कह नहीं सका। काश बस एक बार, पर अब ये सब सोचने का कोई फायदा ही नहीं। हमेशा खुश रहना मेरी सुमो। क्या हुआ भैया, उदास हो या तबीयत खराब है? मैं नहीं, तो बिल्कुल ठीक, तुम? मुझे क्या होगा? नहीं, वो आप ऐसे अकेले बैठे हो ना, और झुमरी ने कहा कि आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया और अभी सुबह भी कुछ नहीं खाया, तो बस इसीलिए पूछा। अग्नि, भूख नहीं थी तो नहीं खाया, तू भी ना कुछ भी सोच के खुद को परेशान करती आजकल। गुड मॉर्निंग कंचा जी। कंचन, और आपको पता है बैल बजाने की भी तमीज होती है, किसी ने सिखाया नहीं आपको? आज ना हम बड़े जल्दी में, इसीलिए ना घंटी बजाने का भाषण हम किसी और दिन आकर सुन लेंगे और घंटी बजाना भी हम आप ही से सीख लेंगे है? पर अभी ना हम बड़े जल्दी में क्योंकि सुमन से हमें जरूरी बात करनी है, तो अभी हम जाएं। हाउ स्वीट, बट सुमन आज बिजी है, आपको शायद पता नहीं है पर उसकी सगाई हो रही है बंटी जी और मेहमान बस आने वाले, इसलिए आपकी जरूरी बात में कोई गड़बड़ की ना तो मैं। देखो अब ना आप हमको गलत समझ रही हो कंचन। हेलो, ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस दोस्त को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको तो सब पता है, बॉडीगार्ड जो उसकी, और बॉडीगार्ड को तो सब पता ही रहना चाहिए, इसलिए फटाफट जाओ और सुमन से ये पता करके आओ कि हम जो जरूरी बात करने आ रहे वो बताने आ सकते हैं कि नहीं। अरे बंटी। अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। तुम यहाँ बहुत दिनों बाद। जी, वो सुमन से मिलने आए थे। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? कंचन, इसको ले जाना, मिलवा दे सुमन से। हाँ हाँ, चले चलो। अभी तो आया था।
पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया ये। भैया सुमन की सगाई को लेके कल बंटी से आपकी कोई बात हुई? तुम दोनों सुमन की सगाई से क्या लेना देना? और तुम बीच में पढ़ क्यों रहे हो? मैं नहीं पढ़ती, वो बंटी कह रहा था कि सुमन को ये नहीं करना चाहिए। बंटी का ना दिमाग खराब है और साथ में तेरा भी करेगा, तू कम बात किया कर उससे, ठीक है? मिल लिए ना सुमन से, अब बोलो ना क्या बात करनी थी तुम्हें उससे। क्या फायदा हुआ हड्डी टुड़वाने का है? जब इस अच्छे से प्लास्टर पे किसी ने ऑटोग्राफ तक नहीं छेड़ा, अब पाओ हम सजा के देते हैं। इस प्लास्टर पे ना लिख नहीं सकते, इडियट। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देते, नो प्रॉब्लम। वो गले में कुछ फंस गया, सूख गया है गला, कुछ अजीब सा चिपक रही है। तो चिपका हुआ गला ना खोलना नहीं आता मुझे। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सब पानी करेगा। आप एक काम करो, हमारे लिए नीचे जाके बस पानी लेकर आ जाओ, मतलब डमरू के यहाँ तो भिजवा दीजिएगा, हम फिकर खुद खोल लेंगे हमारा गला। बिल्कुल भी नहीं, जो बात करने आयो ना वो करो और घर पे जाके पानी पियो अपने। अच्छा कंचन जी, तुम्हारे लिए भी एक सवाल है, एक बात बताओ, सगाई हमेशा शादी के पहले क्यों होती है, शादी के बाद क्यों नहीं? बंटी तुम्हें बात करनी है, सिर्फ मस्खरी करनी है। बात करनी है ना तुमसे अकेले में, पर एक कंचन जी इशारा समझे तब ना। कंचन तो थोड़ी देर के लिए नीचे जा। बिल्कुल भी नहीं, सब पता है मुझे, क्यों आया है यहाँ पे, क्या बात करने आया है। जो भी पट्टी पढ़ाएगा ना मैं भी सुनूंगी। मुझे कोई पट्टी नहीं पढ़ा सकता, तो मेरी चिंता मत कर, तू प्लीज जा। अच्छा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया गला? कोई कह सकता तुम दोनों बहने हो, आप इतनी समझदार। बंटी तुम्हें बात करनी है या फिर? एक्सक्यूज मी। हाँ मिया। बंटी कहाँ है तू? बस तुम्हारे पास यहाँ आ रही है थी मिया। नहीं आ तो रहा पर तू है कहाँ भी? वो रास्ते के बीच में ना टॉयलेट लग गई, तो इसीलिए रोड के पास ना रुका के निपटा रही है। तू ना कभी सुधरेगा, घर पे टॉयलेट नहीं है क्या? अरे मियाँ तुम तो जानते हो ना हमें। चल ठीक है जल्दी से आ जा। हाँ अब तक नहीं सुधरे तुम लोग, बचपने की भी हद होती। बचपना नहीं, अब ना हम वो मैच्योर वाली बातें करने जा रही। हाँ तुम्हारी एक मैच्योर वाली बात तो सुनी मैंने अभी। एनीवे बोलो क्या बात करनी है। घुमा फिरा कर नहीं बल्कि बिल्कुल सीधा तुम्हारे मुंह पर हम एक बात कहना चाहेंगे, और ना नुकुर मत करना तुम, क्योंकि तुम भी जानते हो कि आज भी हमारा श्रवण मियाँ तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें खो करना वो चैन से जी नहीं पाएगा, आज भी वो ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें वो अकेला लड़ नहीं पाएगा, उसे तुम्हारी जरूरत है। इसलिए अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है, क्योंकि हम जानते हैं तुम आज भी उसी से प्यार करती हो सुमन। इसीलिए हम हाथ जोड़कर कह रही है प्लीज प्लीज कुछ करो। बंटी श्रवण को शायद तुमसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता, श्रवण की लाइफ में क्या हुआ है वो तुम जानते हो, पर 7 साल पहले मेरी लाइफ में जो हुआ, जब श्रवण की जरूरत थी मुझे तो सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़कर यहाँ से चला गया था। तो किस्मत का ये दूसरा चांस मेरे लिए नहीं श्रवण के लिए, उसे सोचना है कि उसे क्या करना है। तो क्या चाहती हो तुम कि वो क्या करे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है बंटी, अगर मैंने कदम आगे बढ़ा भी लिया ना तो भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा दोस्त मेरे साथ खड़ा भी होगा या नहीं। कितनी अजीब बात है ना कि आज बात करने भी तुम आए, श्रवण नहीं आया,
बल्कि मेरी तो उससे कल रात ही बात हुई थी। तो कल रात और अब तक के बीच क्या हुआ क्या नहीं वो मैं नहीं जानती। थैंक यू बंटी कोशिश करने के लिए। अब तुम परेशान मत हो, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। और किस्मत को कौन बदल सकता है। अब प्लीज तुम जाओ, मुझे तैयार होना है। बिना कुछ जाने हम तुमसे जे कहेगी कि अब जो करेगी वो सुमन करेगी। गलती कर गई अम्मिया, क्योंकि हुआ सुमन भी जे ही उम्मीद रख के तुमसे बैठी है कि जो करोगे वो तुम करोगे। पर कोई बात नहीं मियां, अभी भी टाइम है। नहीं यार बंटी, अब बहुत देर हो चुकी है और सिर्फ हम दोनों के जाने से क्या होगा। उधर रमेश अंकल और बीना आंटी ने कितने प्यार से सारी तैयारियां की है। सोचा अगर ये सगाई टूटी तो उनका क्या हाल होगा यार। पर जे तो मियां, अरे पापा तुझे क्या लगता है मेरे पापा इतना सब कुछ होने के बाद सुमन और उसकी फैमिली को कभी एक्सेप्ट करेंगे। कभी नहीं। दो दिल जोड़े रखने के लिए पता नहीं बंटी और कितने दिल टूट जाएंगे यार। पर जे तो गलत है ना मियां, दूसरों की थोड़ी देर की खुशी के लिए अपनी जिंदगी भर की खुशी छोड़ दो। मियां प्यार को तो उसका हक मिलना ही चाहिए। किसका क्या हक है ये किसे पता बंटी। हाँ, और जो हो रहा है शायद वो बिल्कुल वैसा ही होना था। और सुन, इस समय ना अवनी को मत डाल। वाह, हम डाल रही है तुमको इन सब में। आइंदा से ना हमारे पास ही मत आना, जब सब कुछ जाकर उसी को बता के हमको डांट पड़वानी हो। जानबूझ के नहीं बंटी, वो भैया ने गलती से बात पक। लाइफ में मैंने जितना इंतजार तुम्हारा किया है श्रवण, किसी और चीज का नहीं किया। बहुत बार हिम्मत टूटी है, उम्मीद टूटी है। पता नहीं ये उम्मीद है या क्या है, पर आज एक बार फिर मुझे इंतजार रहेगा श्रवण, ये देखने का कि तुम क्या करते हो। क्योंकि अब जो करना है वो तुम्हें करना है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था सुमन जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर जाता। पता नहीं कितनी बार मन में सोचा था कि छीन लूं तुम्हें सबसे, पर हमें तो शायद किस्मत ने धोखा दे दिया। अब करूं भी तो क्या करूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.